एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि आज का कॉमन सेंस का एपिसोड लेकर आया हूं बाहु प्लाजा से। जी हां, बाहु प्लाजा में हम लोगों के आज कॉमन सेंस चेक करने वाले, कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल उनसे पूछने वाले और आपको दिखाने वाले हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे जिनमें कॉमन सेंस है और कितने लोग ऐसे हैं जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। पर प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम दिखाएंगे आपको हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको देखकर आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगी। तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि जो पहला रॉकेट था इंडिया का, उसको साइकिल पे ट्रांसपोर्ट किया गया था। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट से आपको कहीं ना कहीं नॉलेज जरूर मिलेगी और जब भी आप इस फैक्ट को इस जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तब हमें जरूर याद करेंगे। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। जो पहला सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का है वो ये है कि अगर एक लड़की फुटबॉल को किक करती है तो और फुटबॉल जो है वो 10 फीट के बाद वापस आ जाती है बिना किसी चीज़ को टच किए, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। ये एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम बाहु प्लाजा में लोगों से पूछने वाले हैं। तो आइए चलते कुछ लोगों के पास और देखते हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस। आज हम बाहु प्लाजा में लोगों की कॉमन सेंस चेक करें। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दे सर आप। हाँ जी, नाम बता दे अपना। नीरज गुप्ता। कॉमन सेंस है सर आपने? हाँ बिल्कुल है। कितने? 10 कर गए। नाम बता दे सर अपना। अनिरुद्ध। कॉमन सेंस है आपने? हाँ। कितनी है? काफ़ी है। काफ़ी मतलब किसी ने आज तक बताया कि आप में कॉमन सेंस है? वैसे इतना नहीं, ऐसे कोई नहीं, किसने बताया नहीं, नहीं बातचीत नहीं होती इतनी कि कॉमन सेंस या ऐसे टाइम नहीं मिलता ना कि हम तो, मैं तो वैसे बाहर पढ़ा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं हूँ कभी। वहाँ पे हमें टाइम हॉस्टल में रहते थे। नाम बता दे सर अपना। रवि शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं फ्लोर का रहने वाला हूँ। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस होता क्या भैया? नाम बताए। सुरेश कुमार। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस है हिंदी बोलो यार, डोगरी भी आओ इंग्लिश कुछ नहीं आती है। हिंदी बोलो यार, डोगरी भी आओ इंग्लिश कुछ नहीं आती है। नाम बताए सर अपना। मुझे समझ आओ सर। कॉमन सेंस है सर आपका? नहीं नहीं, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। खुद सर बताइए, एक लड़की एक फुटबॉल को किक करती है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है, वापस आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, आगे कोई दीवार होगी वापस टकरा के टकरेगी नहीं कहीं से फुटबॉल, ऐसा नहीं वापस नहीं आ सकती। आ रही है सर, हम आपको बता वो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है सर, कॉमन सेंस नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अकेली लड़की है, फुटबॉल को एक को किक कर रही है, फुटबॉल जो है वो बिना हिट किए किसी चीज को वापस आ जाती है, कैसे आती है? बिना हिट किए आ जाती है वापस, बिना किसी चीज को हिट किए 10 फीट के बाद वापस आ जाती है। इसका मेरे पास शायद आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। हाँ ये तो सिंपल सी बात है, 10 फीट दूर जाके वापस आ जाती है। नहीं, कोई आईडिया नहीं, कोई मैं बोलूंगा गलत तो उसका मायने नहीं होगा, उसका मैं बोलूंगा कुछ फालतू, उसका तो कोई मायने बनेगा नहीं, तो बोल के क्या फायदा? अगर आप सही जवाब दोगे इसका तो आपको रेमन सर्कस की तरफ से टिकट्स भी मिलेंगे। नहीं, कोई आइडिया नहीं। चलिए, इनको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बात करते कुछ और लोगों से। नाम बताए सर अपना। आकाश। कहाँ के रहने वाले? जम्मू से। कॉमन सेंस है आप में? जी है। Common sense is not common among common people. But अब में common है? Maybe. Use करते हैं आप common sense? हाँ। तो एक आसान सा सवाल पूछूंगा मैं आपसे common sense वाला। जी। सर बताइए, एक लड़की एक फुटबॉल को किक करती है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है बिना किसी चीज को हिट किए, वो कैसे होता है? स्ट्रेट जा रही होगी। कैसे जा रही होगी? बिना किसी चीज को हिट किए वापस आती है। She must be professional. Professional कैसे सर, वापस कैसे आएगी, वही तो हम पूछ रहे हैं। Okay. I don't know. कहीं पे टकराती नहीं है बॉल वो, पर फिर भी वापस आती है। फिर भी वापस आ जाती है, वो कैसे आ सकती है? वही तो सोचने वाली बात है ना। नहीं वो या तो उसको फुटबॉल, नहीं तो लड़की से प्यार होगा इसलिए वापस आ जाएगी। लड़की से प्यार कैसे हो सकता है फुटबॉल का? हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ ही हो सकता है। अगर वापस आ सकती है बाकी से टकरा के बिना, ऐसा कुछ ही हो सकता है। आपके हिसाब से प्यार होगा तभी वापस आ जाएगी, ऐसे नहीं आ सकता? ऐसे नहीं हो सकता। आपके हिसाब से भी प्यार ही होगा, हिट करेगा आगे तो भी आगे तो कोई हिट करेगा तभी वापस आएंगे। हिट कर ही नहीं रहा कोई, ये मैं आपको बता देता हूँ। हिट नहीं कर रहा तो ऐसे ऐसे वापस आ नहीं सकती। हाँ ऐसे वापस आ सकती है, अगर वो नीचे, अगर नीचे नीचे हो लड़की, ऊपर थोड़ी चढ़ाई हो, वापस हिट करेगी तो रोल होकर वापस नीचे आ सकती है। रोल भी नहीं हो रही सर,
टच ही नहीं हो रही फुटबॉल किसी चीज को, ये सोच लो हिट कर दी लड़की, टच नहीं हो रही तो सिर्फ किक कर रही है लड़की, बस किक कर रही है, फिर वो फुटबॉल को किक नहीं कर रही, वो ऊपर से ऐसे किक कर रही है। नहीं नहीं फुटबॉल को किक कर रही है, हम आपको बता रहे हैं, मतलब फुटबॉल को किक कर रही है, कर रही है, उसके बाद भी वापस आ रही है, फिर भी वापस आ रही है बिना किसी चीज को टच किए, फिर कोई आईडिया नहीं, कोई आईडिया नहीं आपको, कोई आईडिया नहीं। चलिए इनके हिसाब से वो हो ही नहीं सकता कि फुटबॉल वापस बिना टच किया आ जाए, या फिर लड़की से अब प्यार होगा फुटबॉल को तभी वापस की बात करते कुछ और लोगों से। सर बताइए अगर एक लड़की फुटबॉल को किक कर रही है, ठीक है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है बिना किसी चीज को टच किए, ऐसा कैसे होता है? फुटबॉल को टच करती है, फुटबॉल को वो किक कर रही है लड़की, किक 10 फुट जाती है फिर वापस, फिर वापस आती है ग्राउंड से, बिना किसी चीज को हिट किए कैसे वापस आएगी? वही तो आ रही है ना, हम आपको इतना बता रहे हैं कि आ रही है, अब कैसे आ रही है वो आप कॉमन सेंस लगा के बताएं, पता नहीं, कोई आईडिया नहीं, नहीं पॉसिबल हो सकती है चीज, नहीं नहीं हो सकती आपके हिसाब से? सर बिल्कुल नहीं पॉसिबल, नहीं हो सकती ना, बिना किसी चीज को हिट किए वापस आ ही नहीं सकती, अगर हम बोल रहे हैं आ रही है तो हम झूठ बोल रहे हैं, फिर उसको कोई और हिट कर रहा होगा, हिट कोई भी नहीं कर रहा सर, सिर्फ एक बार वो किक करती है और बिना किसी चीज को टच हुए वो वापस आती है फुटबॉल, ये पॉसिबल नहीं, नहीं हो सकता पॉसिबल ना। चलिए इनके हिसाब से ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, बात करते कुछ और लोगों से। नाम बता दे मैम अपना। सुमित। कहाँ के रहने वाले? त्रिकुटा नगर। कॉमन सेंस है आप में? कितनी है? थोड़ी बहुत तो है ही। अच्छा लड़कियों में ज्यादा होती है लड़कों में? लड़कियों में ज्यादा होती है। पक्का? पक्का। पर लड़के तो बोलते हैं हम में ज्यादा है। नहीं नहीं लड़कियों में ज्यादा होती है। आप बोल रहे हो तो हम मान जाएं कि लड़कियों में ज्यादा। हाँ बिल्कुल मान जाओ। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ मैं कॉमन सेंस वाला, कि एक लड़की फुटबॉल को किक करती है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है बिना किसी चीज को हिट किए, बिना किसी चीज को कैसे हिट किया? उसने लड़की ने किक किया ना? हाँ, किक किया ना, किक करने के बाद किसी चीज को हिट नहीं करती और वापस आ जाती है 10 फीट के बाद, पता नहीं सोचने वाली बात है ना, कॉमन सेंस लगाएं इनसे पूछो, इनसे तो पूछेंगे आप पहले बताना, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। नाम रहे सर अपना? मेरा नाम सुधीर सिंह। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? हाँ सर। है? थोड़ी बहुत हाँ जी। बाकी कहाँ जाती है थोड़ी बहुत अगर होती है तो? वैसे ही खो जाती है कहीं, खो जाती है। एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला, पूछो सर। वैसे एक लड़की एक फुटबॉल को किक करती है, फुटबॉल जो है ना वो जाती है 15 फीट तक, 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है बिना किसी चीज को हिट किए, तो कैसे होती है वो चीज पॉसिबल? सही है ग्रेविटी के कारण, वैसे जब वो उसको किक लगाएगी तो एब्सोल्युटली वो जाएगी दूर, दूर तो जाएगी ना, 10 फीट बाद वापस कैसे आएगी सर? ऊपर जाएगी। नाम रहे सर अपना? ऑथेंटिक का। अच्छा कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल। कैसे आपको पता है कि मेरे में है? हाँ हाँ मेरे को पता है अभी। किसने बताया आप ये? मैं आपको बताऊं कि हर बंदे के अंदर कॉमन सेंस होती है तभी वो आदमी है, ठीक है नहीं? बताइए हर एक में होती है पर यूज़ हर एक नहीं ना करता। हाँ कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कम यूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं? ना मैं कम यूज़ करता हूँ ना मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिल्कुल बराबर यूज कर। बिल्कुल बिल्कुल जी, सवाल जरूरत हो उतनी ही यूज करता हूँ। जितनी जरूरत हो, अभी जरूरत आपको पढ़ने वाली, क्योंकि एक सवाल पूछने वाले हम आपसे कॉमन सेंस। सर पूछिए सवाल। सर बताएं अगर एक लड़की एक फुटबॉल को किक कर रही है, बिल्कुल फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है बिना किसी चीज को हिट किए, वो की चीज कैसे पॉसिबल होगी? मतलब कोई लड़की फुटबॉल को किक कर रही है, जो फुटबॉल है वो 10 फीट के बाद वापस आ जाती है बिना किसी चीज को हिट किए, वो कैसे होगा? देखो आगे कोई ना कोई बॉल लगा हो, जब उससे नहीं लगा हुआ सर आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब कोई सॉलिड चीज को टच ही नहीं करती वो, तो वो किक सामने वाली साइड थोड़ी कर रही, बैक वाली साइड कर रही है ना, हम मर्जी करे 10 मिनट 10 फीट के बाद कैसे वापस आएगी बॉल? 10 फीट के बाद वापस आ जाएगी, वापस आ जाती है ये तो समस्या है समस्या नहीं ना सर, सवाल है कॉमन सेंस वाला। नहीं कुड़ी ने मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से वो किक मारेगी और 10 फीट से वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी 10 फीट के बाद बॉल, तो पता क्या होगा वहाँ पे? यार देखो ना अगर हम ऊपर वाली साइड मारेंगे तो वो वापिस तो आएगी ना। नाम बताए? सुमित। कहाँ के रहने वाले? गंगानगर के। राजस्थान के। राजस्थान के। हाँ जी। तो कॉमन सेंस है आप में? पता नहीं यार, मतलब तू पूछेगा तभी बताऊंगा, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं बता ऐसे तो है ही, ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा मोटा है। सवाल पूछें कॉमन सेंस वाला, पूछ लीजिए फिर। सर बताएं एक लड़की एक फुटबॉल को किक करती है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट जाकर वापस आ जाती है, तो वो कैसे पॉसिबल होगी चीज? तो आगे कोई चीज होगी तभी? कोई चीज नहीं ना, टच नहीं कर रही किसी चीज को, या तो भैया आंखों से ही आ जाती होगी, ऐसे तो नहीं आ सकती। नो आईडिया। नहीं बोल पा रहे, कैमरे में बोल दो फिर, लड़कियों में कॉमन सेंस नहीं होती? नहीं हाउ गुड आई से, लड़कियों में कॉमन सेंस नहीं होती? होती है। हाँ बिल्कुल होती है। दीजिए जवाब।
बॉल किसी को हिट किए बिना वापस तो आ नहीं सकती। आ रही है ना, हम आपको बता रहे हैं। कैसे आ रही है वापस? जब किसी को हिट नहीं करेगी तो वापस कैसे आएगी? सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि वापस आ रही है। कैसे आ रही है वो आपने बताना है। I don't know. अब देखो कुछ आइडिया कैसे आएगी वापस? No idea. कोई आईडिया नहीं। आप भी मानते हो लड़कियों में कॉमन सेंस होती है? हाँ जी बिल्कुल। अभी क्यों नहीं निकल रही है? बॉल बिना किसी चीज को हिट किए कैसे आ सकती है वापस? ग्राउंड से नहीं, वो हम आपसे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ऊपर फेंकती होगी फिर नीचे वापस आएगी। बस हम बताए है ना, नाम बताए उपेंद्र। चलिए उपेंद्र जी ने भी कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना कि फुटबॉल को वो अगर हवा में किक करेंगे तो वो अपने आप 10 फीट के बाद वापस आ जाएगी। बात करते कुछ और लोगों से। चलिए सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बताया सर अगर एक लड़की फुटबॉल को किक कर रही है, फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाती है और वापस आ जाती है, ऐसा कैसे होता है? ग्रेविटी की वजह से। कैसे? कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो नीचे आती है। ग्रेविटी ऊपर वाली साइड जाएगी। हाँ देखो ना, मैं ऐसे ऊपर कोई चीज मारूंगा 10 फीट जाएगी और वापस भी आएगी वो। हाँ बताए। डेफिनेटली मेरा नाम अतिन टिक्का। चलिए अतिन जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना है कि ऊपर की तरफ अगर मारेंगे ग्रेविटी की वजह से फुटबॉल वापस आ जाएगी। बात करते कुछ और लोगों से। मतलब उसको अट्रैक्शन लड़के ने मार दी, क्या किया था उसके साथ? नहीं नहीं, लड़की किक कर रही है और 10 फीट के बाद वापस आ जाती है। 10 फीट ऊपर के नीचे वो जहाँ मर्जी भी जाए? नहीं, ग्राउंड में क्या हाइट पे? वो हमने सिर्फ बताया कि किक मार रही है वो 10 फीट तक जाके वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी, ऊपर मारेगी तो आ जाएगी और कहीं से नहीं आ सकती। और नहीं आ सकती। चलिए मैंने कमीशन से गाली। दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा था कि अगर एक लड़की फुटबॉल को एक किक करती है और फुटबॉल जो है वो 10 फीट तक जाके वापस आ जाती है बिना किसी चीज को टच किए, तो वो कैसे चीज पॉसिबल होगी, जो एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल था जो हम बाहु प्लाजा में लोगों से पूछ रहे थे। पर लोग जो थे, कुछ लोग थे जो सवाल का सही जवाब दे रहे थे और कुछ लोग थे जो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारे सवालों को सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, उनका जवाब जो था वो गलत था। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि वो ग्रेविटी की वजह से वापस आती है, वो किक जो कर रही है लड़की वो हवा में ऊपर की तरफ करेगी तभी वो फुटबॉल जो है वो 10 फीट के बाद वापस आ जाएगी बिना किसी चीज़ को टच किए। चलते कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल लोगों से पूछेंगे कि अगर एक घर में कुछ रिलेटिव्स आते हैं और जो घर में एक लड़का होता है वो रिलेटिव्स को बोलता है ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। लोगों से हम पूछेंगे बाहु प्लाजा में कि ये कैसे चीज़ पॉसिबल होगी। तो आइए चलते कुछ लोगों के पास और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है उनमें। नाम रहा है सर अपना? ऋषभ। कहाँ के रहने वाले? जम्मू। जम्मू के रहने वाले। कॉमन सेंस है आप में? यस सर। कितनी है? बहुत है। बहुत है, किसी ने बताया आज तक? बताया तो नहीं है बट खुद को बताओ था। मतलब एक सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं जिसमें कॉमन सेंस की जरूरत होगी, आसान सा सवाल होगा, थोड़ा दिमाग लगाने। दिमाग गया, दिमाग ही गया। पूछे सवाल सर, बताइए एक घर में एक कुछ रिलेटिव आते हैं, एक लड़का होता है घर में, वो बोलता है अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको बोलता है कि ये जो सामने आप फोटो देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की फोटो है पर मेरा भाई नहीं है ये, वो कैसे होता है? कौन होगा वो बंदा? सोचने वाली बात है ना, सोचो। इंटरव्यू नहीं देना सर, बताना आपने कौन है वो बंदा। और गया तीन चार बार एप्लीकेशन दी है, पै दिया तक गोल्ड मेडल दिता कोई सीढ़ी है मैं ला दिया दिहाड़ी दिखा दिया फुल के। सर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कॉमन सेंस वाला, एक आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है वो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। बस ये प्रॉब्लम है कि पै दिया मारा दिया भुखे इनसे पानी पी पिया करा दिया कि यार। चलिए बात करते कुछ और लोगों से, ये हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए सर बताइए अगर एक घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, हाँ जी, एक लड़का है घर में, हाँ जी, वो रिश्तेदारों को बोलता है ये जो सामने आप फोटो देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की फोटो है पर ये मेरा भाई नहीं है, फिर कौन होगा वो बंदा? मेरे बाप के बेटे की, भाई इतना दिमाग ही नहीं है मेरा। बाप के बेटे की तस्वीर है वो, अच्छा, पर वो बोल रहा है मेरा भाई नहीं है ये, फिर कौन होगा वो तस्वीर में? बाप ही होगा। बाप नहीं है, बाप के बेटे की तस्वीर है। क्यों? वो छोटा बच्चा होगा ना, वो बाप और बेटे का तस्वीर है ना एक। नहीं, नहीं बोल रहा ये। वो बाप के बेटे की, बाप के बेटे, बाप के बेटे की। चाचा हो गए ना, आपको भाई नहीं लगा वो? कैसे हो गए? और क्या? क्या बोलते हैं? वो चाचा बोल रहे हैं उसका, हो गया बच्चे का चाचा है। चाचा कहाँ से होगा सर, बाप का बेटा चाचा होता है।
वही तो मैं कह रहा बच्चे का चाचा नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है वही तो हम पूछ रहे हैं। निका बच्चा होगा बच्चा कौन सा होगा ना, अगर लड़का उसका बच्चा अपना होता है बाप और बच्चा का हो तो बच्चा बोल रहे हैं कि ये मेरा डैडी नहीं है, ये मेरे फोटो तस्वीर नहीं है, ये है ना बाप, वो लड़का बोलता है कि ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है अच्छा। पर ये मेरा भाई नहीं है, फिर कौन होगा वो तस्वीर में? क्या भाई लड़का ही होगा, ये लड़का होगा। आपको क्या लगता सर बेटा होगा उसका? बेटा वो होगा ना, वो बोल रहा मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर मेरा भाई नहीं है, फिर कौन होगा वो? बेटा ही होगा ना वो, बेटा नहीं ना, क्या बोलूं कौन है पर बेटा ही, यही तो बताना आपने। पोता हो गया फिर वो, पोता हो गया। आप बोले सर क्या बोलूंगा, एक घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, जो घर में लड़का होता है ना वो अपने रिश्तेदारों को बोलता है कि ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है, कौन होगा वो तस्वीर में? बोलेंगे क्या आंखों बताओ क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है? नहीं हमको तो पता ही होगा, हम कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं ना आपकी। एक प्यो पुत्र दे भरा नहीं होया है ही नहीं ना, वो बोल रहा मेरा भाई नहीं है वो, कौन है फिर वो? उसी को गोली मार दो फिर नहीं आ कल नहीं है मेरा भाई, गोली नहीं ना मारनी सर हमने, आप बताओ। अरे वो आखा मेरा भरा ही नहीं है, मेरा भरा ही नहीं है तो फिर क्या करना जी, है ही नहीं ना भाई नहीं है वो, उसका तो कौन होगा, वही तो पूछ रहे हम। तो कुछ हुआ यार फिर आप क्या कह रहे हो सर बता? फिर भाई होगा ना। नाम बताए सर अपना। कल्याण कुमार। कहाँ के रहने वाले? झारखंड। कॉमन सेंस है आपने? थोड़ा 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 थोड़ा। सवाल पूछे कॉमन सेंस वाला, हाँ जी पूछो। चलिए सर बताएं, एक घर में कुछ रिलेटिव आते हैं, एक लड़का होता है घर में, वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर मेरा भाई नहीं है, ये तो कौन होगा तस्वीर में? नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा, कंफ्यूज्ड है ये, नहीं होगा, रिलेशनशिप में मैं कमजोर हूँ। अच्छा रिलेशनशिप में कमजोर है। हाँ, ये रिलेशनशिप वाले कोई जवाब नहीं बता सकेंगे शायद, नहीं बता पाएंगे। चलिए ये जवाब नहीं दे सकते, कह रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप्स में कमजोर हूँ, बात करते हुए छोड़ो से। अच्छा रिलेशनशिप के बारे में आपको पता जी बताए सर, अगर एक घर में कुछ रिलेटिव आते हैं, एक लड़का है घर में, वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर मेरा भाई नहीं है, ये तो कौन होगा तस्वीर में? मैं ही हूँ। आप ही होगा? हाँ जी पक्का पक्का, खुद में आपको यकीन है कि मेरे में बहुत कॉमन सेंस है जी। एक सवाल पूछूं कॉमन सेंस वाला, पूछो जवाब देंगे? दूंगा अगर होगा मेरे पास तो पक्का दूंगा, पक्का देंगे। चलिए एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे सर, बताएं एक घर में कुछ रिलेटिव आते हैं ठीक है, जो घर में लड़का होता है ना वो अपने रिलेटिव को बोलता है ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है, तो कौन होगा वो लड़का? ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है, फिर कौन होगा उस तस्वीर में? मैं ही हो सकता हूँ। कैसे? मेरी भी तो हो सकती है। आपकी भी हो सकती है, अच्छी बात है। ये आपका कॉमन सेंस कह रहा है, नाम बताया? ऋषभ। ऋषभ जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और इनका कहना है कि वो अपनी तस्वीर भी हो सकती है, बात करते हुए छोड़ लो यार भाई, वो खुद होगा सर, वो खुद होगा, खुद होगा। नाम बताए सर अपना? रमेश। रमेश जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना है कि वो खुद ही अपनी तस्वीर होगी उनकी। नाम बताए सर अपना? राकेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं अखनूर से। अखनूर से सर कॉमन सेंस है आपने? जी बोलिए। है वो होगी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली होगी। चलिए एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे जी, एक घर में कुछ रिलेटिव्स आते हैं, जो घर में एक लड़का होता है ना वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की फोटो है पर ये मेरा भाई नहीं है, तो कौन होगा वो? पता नहीं, वो आप क्या गलती कर गया? गलती नहीं कर गया सर, कौन है वो बंदा वो हम आपसे पूछ। बाप का बेटा हुआ तो भाई होना चाहिए, अगर वो बोल रहा मेरा भाई नहीं है फिर कौन होगा वो? नहीं पता, तस्वीर में बताना ना आपने कौन सा बंदा, वो मेरी भी हो सकती है। आपकी कहाँ से आ जाएगी? उधर नहीं, बाप का बेटा तो मेरा भाई कैसे होगा, तो मैं भी हो सकता हूँ ना। आपका नाम क्या? राकेश शर्मा। चलिए राकेश जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और इनका कहना है कि वो अपनी तस्वीर भी हो सकती है जो वो कह रहा है मेरा भाई नहीं है। बताए सर एक घर में कुछ रिलेटिव्स आते हैं, तो जो घर में लड़का होता है ना वो रिलेटिव्स को बोलता है ये जो सामने आप फोटो देख रहे हो ये मेरे बाप के बेटे की फोटो है पर ये मेरा भाई नहीं है, पर कौन होगा वो? मेरे बाप के बेटे की फोटो है पर मेरा भाई नहीं है, फिर कौन होगा वो? वो उसकी अपनी होगी। अपनी होगी? हाँ, खुद अपना भाई नहीं है, अपनी फोटो होगी। हाँ, उसकी अपनी फोटो होगी।
चलिए सनम जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना कि वो अपनी फोटो होगी उनकी। बताइए घर में कुछ रिलेटिव आते हैं जो घर में लड़का होता है ना वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं हाँ जी ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है तो वो कौन होगा तस्वीर में खुद की होगी उसकी खुद की तस्वीर होगी जी सर। सर अपना पंकज कहाँ के रहने वाले रिहाड़ी कॉमन सेंस है आप में थोड़ी बहुत है बाकी कहाँ गई बाकी ऐसे किसी को देख के कम हो जाती है किसी को देख के कम हो जाती है मेरे को देख के कम हो गई नहीं आपको देख के नहीं देखते फिर थोड़ी कहाँ गई थोड़ी है अभी देखते हैं क्वेश्चन पूछो फिर पता चलता है। चलिए एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा मैं आपसे बताएंगे पूछो बताएं सर एक घर में कुछ रिलेटिव आते हैं हाँ। एक लड़का होता है घर में तो वो लड़का जो होता है ना वो रिलेटिव्स को बोल रहा है कि मेरे सामने जो तस्वीर लगी है ना वो मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर मेरा भाई नहीं है वो कौन होगा तस्वीर में उसी की होगी उसी की तस्वीर होगी। दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने लोगों से एक और आसान सा सवाल पूछा था क्योंकि हम चाहते हैं लोग जवाब दें और अक्सर आपने देखा होगा हम कार्यक्रम के दूसरे भाग में आसान सा सवाल ही लोगों से पूछते हैं। जो हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग का सवाल था वो ये था कि अगर एक घर में कुछ रिलेटिव्स आते हैं और एक घर में लड़का है वो अपने रिलेटिव्स को बोलता है कि ये जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेरे बाप के बेटे की तस्वीर है पर ये मेरा भाई नहीं है तो ये कैसे होगा। एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल था जिसका जवाब तो था वो ज़्यादातर लोगों ने सही दिया। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि वो तस्वीर उसकी खुद की तस्वीर होगी किसी और की तस्वीर नहीं होगी तभी वो अपने रिलेटिव्स को बोल रहा है कि ये मेरे बाप का बेटा तो है पर मेरा भाई नहीं है। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक और टंग ट्विस्टर पूछेंगे लोगों से। टंग ट्विस्टर हम आपको बता दें इसलिए पूछते हैं ताकि लोगों की जो फंबलिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो। टंग ट्विस्टर जो हमारा आज का है वो है ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। जी हाँ ये टंग ट्विस्टर हम लोगों से पूछेंगे लोगों को 5 बार बोलने के लिए बोलेंगे तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो ये हमारा टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। टंग ट्विस्टर पूछेंगे सर आपसे हम एक हाँ जी टंग ट्विस्टर पूछेंगे पूछो आपने बोलना सर ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड टंग ट्विस्टर आपसे पूछूंगा ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड बोलना 5 बार सर ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार सर फिर कीजिए ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार सर ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार नहीं होगा सर हो जाएगा सर लगाया ना थोड़ा दिमाग ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड नाम बताए सर अपना सोहनलाल कोल अच्छा आपसे एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे हम बोल पाएंगे ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 5 बार गलत हो गया ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड बोल दिया बैकग्राउंड कैमरे में बोल दो अब नहीं हो रहा मेरे बस ट्राई करेंगे नहीं ट्राई नहीं करने देंगे
ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 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 ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन ब्राउन बोल दिया ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन नहीं बैकग्राउंड होता ना बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक गलत हो गया अच्छा बोलना ये बोलना ही बोलना ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड तेज बोलना सर थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड बैक ब्लैक सॉरी नहीं हो पा रहा नहीं सर कैमरा में बोलते मेरे से नहीं हो पा रहा सर नहीं हो पा रहा सर ब्लैक बैकग्राउंड नहीं गलत हो गया नहीं होगा नहीं हो पाएगा नहीं हो जाएगा पूछ लो ये नहीं हो पाएगा आप बोल सकते हैं सर नहीं सर ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड पांच बार पांच बार ही क्या बोलना ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हो पाएगा आप कैमरे में बोल दो मेरे से नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड 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 क्या बोला सौरभ गुप्ता ये सौरभ जी ने हमारा टाइम टेस्ट बोल दिया कितने का भैया ये 10 रुपये का यार इतने पैसे नहीं है जल्द थोड़ा सस्ता कर दो यार 5 रुपये खा लिए नहीं नहीं थोड़ा सस्ता करो यार फ्री में खिला दो दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस आज के कार्यक्रम में हम आपको बाहु प्लाजा में लेकर आए थे बाहु प्लाजा में हमने लोगों की कॉमन सेंस चेक की आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछे उनसे और आपको दिखाया कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनमें कॉमन सेंस है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कॉमन सेंस की कमी देखने को मिली हमें यहाँ पे उम्मीद करते हैं आज के प्रोग्राम से आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा आज के प्रोग्राम से आपने कॉमन सेंस शायद यूज करनी शुरू कर दी हो इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर सजेशन देना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे दे सकते हैं हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444 अगले हफ्ते बुधवार शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन बंटी डिग्रा को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे नमस्कार